राजधानी लखनऊ के शहादतगंज के गुलाब नगर इलाके से दो सफाई कर्मचारियों की मौत का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई के लिए उतरे थे, इसी बीच दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि एक अन्य सफाई कर्मचारी का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि सीवर सफाई के लिए उतरे कर्मियों के पास कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं था, वह बिना किसी सावधानी के सीवर सफाई के लिए उतरे थे और दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सीवर में उतरते ही ऑक्सीजन की कमी के चलते इन दो कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि एक अन्य कर्मचारी का इलाज ट्रामा सेंटर में जारी है। घटना के सामने आने के बाद भारी संख्या में सफाई कर्मचारी ट्रामा सेंटर पहुंच गए, यहां जमकर हंगामा देखने को मिला। इसी तरह से पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। सफाई कर्मियों के साथ हुए हादसे के बाद वहां मौजूद अन्य सफाई कर्मचारियों की नाराजगी देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करण और पूरन नाम के दो सफाई कर्मचारी सीवर सफाई के लिए उतरे हुए थे। इन दोनों को सुपरवाइजर अमित के द्वारा जबरदस्ती उतारा गया था, उन्हें कोई भी सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवाई गई थी। वहीं जब यह घटना सामने आई उसके बाद से सुपरवाइजर अमित मौके से फरार है। वो करण और पूरन लोग खत्म हो गए और एक हॉस्पिटल गया है। क्या मामले होते, कहाँ सिविल लाइन में उतरे थे तुम लोग? सिविल लाइन में उतरे थे यहाँ पे और सुपरवाइजर ने उतरवाया जबरदस्ती। जबरदस्ती गैस लग के अंदर दो व्यक्ति मर गए। कौन है सुपरवाइजर, कौन है? अमित। कोई तुम लोग को सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई प्रोटेक्ट? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ से कुछ आता है, नहीं आता, मिलता है? मिलता क्या है, वो वर्दी मिलता है, जूता मिलता है, बस ग्लव्स, इसमें तो कोई नहीं, कोई ऑक्सीजन किट वगैरह कुछ, कोई सेफ्टी किट कोई देते नहीं है, सेफ्टी किट कोई देते नहीं, कोई देते नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर का नाम है? सुपरवाइजर का अमित नाम। अमित कहाँ रहता है? अमित अब ये हम नहीं जानते कहाँ रहता है। ये जो दो लोग खत्म हुए इनका नाम क्या है? एक का नाम है करण, एक का नाम है पूरन। भैया तो भाई संस्था कौन सी है, ये कौन सी कार्यदाय संस्था है? अरे एक कंपनी है, एक स्विच कंपनी, जो पहले जल संस्थान करवाती थी, जल संस्थान से जो है स्विच कंपनी ने ले लिया। तो तुम लोग इस पे ठेके पे काम करते हो? ठेके पे काम करते हैं। क्या तनख्वाह मिलती है लोगों को? तनख्वाह लोग को 9,000 मिलती है बस। बस महीने में महीने में का दो महीने में मिलती है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। आपको बता दें कि ऐसी ही एक घटना रायबरेली से भी सामने आई। रायबरेली में भी मंगलवार को सुबह मनिक रोड स्थित सीवर के मैनहोल में उतरकर श्रमिक सफाई कर रहे थे। इस दौरान जहरीली गैस से दोनों बेहोश हो गए। मौजूद कर्मचारियों ने इसकी सूचना फर्म को दी। इसकी जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंच गए। तत्काल रेस्क्यू शुरू किया गया। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां तैनात डॉक्टर शिव कुमार ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।